स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी हम लोग आए हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। तो यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का एक और भी नाम है ग्रीन गार्डन। तो ये ग्रीन गार्डन के बाहर का नज़ारा है, उधर पार्किंग है, फिर सामने ही है टिकट घर और पूछताछ केंद्र। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। टिकट का रेट जो है 15 रुपये है। तो टिकट लेने के बाद यहाँ से करना पड़ता है एंट्री, फिर एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही यहाँ सामने देखने को मिलता है इतना सुंदर नज़ारा। ये बिल्कुल एंट्री गेट के सामने ही है, कितना सुंदर लग रहा है आप देख ही सकते हैं। और राइट साइड में पार्क बना हुआ है और 10 हाथियों की मूर्ति बनी है इस तरीके से लाइन से, और सेम डिजाइन लेफ्ट साइड में भी है 10 हाथी। फिर उस साइड में भी इसी तरीके का पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर पार्क है आप देख ही सकते हैं। ग्रीन गार्डन का 3 खंड है। तो अभी हम लोग आए पहला खंड में, यहाँ पे पेड़ लगाया गया, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिल जाता है। तो आप देख ही सकते कितना अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था है इस पार्क में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के सामने ही है बड़ी बड़ी कंपनियां। अभी हम आ गए पार्क के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे बैठने की व्यवस्था बनी हुई है, बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था है। दर्श को तो मजा आ रहा है, दर्शु मजा आ रहा है, दर्शु मजा आ रहा है। तो पूरा पार्क घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे ये गोल घेरा सा बना हुआ है और चारों साइड से इस तरीके से हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये देख सकते हैं। यहाँ पे फुव्वारा भी चलता है, लेकिन इस टाइम बंद है फुव्वारा, अंधेरा होने वाला है। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पे है, और लाइटिंग में और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये पार्क। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। रोड के किनारे भी है, यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, दर्श और दर्श के पापा पहले ही पहुँच गए। तो इसके अंदर जो है बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री काशीराम जी, दलित एवं उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शक और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी श्री मायावती जी की प्रतिमा का अनावरण। श्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा शुक्रवार दिन 14 अक्टूबर 2011 को संपन्न हुआ। ये मूर्ति है मान्यवर श्री काशीराम जी की, और बीच में जो मूर्ति है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, और इधर साइड में जो मूर्ति बनी है ये सुश्री मायावती की मूर्ति बनी है। बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आई है। ये मायावती जी के हाथ में है पर्स। दिनक 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का मसौदा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत करते हुए। हर सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिनांक 3 मार्च 1930 को नासिक के कलाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके अंदर हमने घूम लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर।
तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जिसका एक और नाम है ग्रीन गार्डन, ये भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में है। यह पार्क नोएडा सेक्टर 95 में पड़ता है। 25 एकड़ में बने दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने किया था और इस पार्क को बनाने में 685 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। यहाँ का जो एंट्री टिकट है कुल 15 रुपए का है और आप एक ही टिकट में इसके अंदर दिन भर घूम सकते हैं और खाने पीने के सामान भी इसके अंदर ले जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? टेस्टी है? राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल हमने घूम लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।